बात नहीं करते भाई किसी हाँ से। बात नहीं करते ब्रो ऐसे किसी से। तो यार कल तो बिल्कुल शूटिंग नहीं करने दी, एंड जिन लोगों ने ऐसा किया तो उन्होंने व्लॉग देखा भी और उन्हें काफ़ी हंसी भी आई होगी। और जिसने भी कल का व्लॉग नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि यार शूटिंग क्यों नहीं हुई। खैर ये सब बातें साइड करके गुरु करते हैं अपने आज के व्लॉग को शुरू। सो हेलो गाइस, कैसे हैं सब? मेरा नाम है केतन एंड वेलकम टू माई चैनल केतन नॉला व्लॉग्स। सो यार कॉपीराइट क्लेम आने का सिलसिला जारी है, क्लेम आ रहे हैं, हम उन्हें मिटा रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए। बाकी यार अभी एक काम है उसे फिनिश करते हैं, देन घर आके आप लोगों से बात करते हैं। तब तक यार जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जाओ जाके देखो, और यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना जिसने भी अभी तक नहीं किया। तो यार काम तो बना नहीं, तो एक और ट्राई करते हैं तो होपफुली यार काम बन जाए। तो चलिए पहले अभी ड्राइवर ध्यान देते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो फाइनली यार घर पहुंच चुके हैं और यार काफ़ी देर हो गई है, आपको दिखाता हूँ यार क्या काम था आज। तो यार ये था वो काम जिसकी वजह से हमें इतना टाइम लगा, एंड यार और देर लगती यार वो तो कुछ हमने जुगाड़ किया जिस वजह से हमें मिल गया और फाइनली यार घर आ चुके हैं। एंड यार बहुत ज़रूरी की भूख लगी है बिकॉज यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। एंड हाँ यार अभी मयंक का भी कुछ काम है तो वो काम भी करेंगे और आपको बताएंगे कि वो काम है क्या। तब तक के लिए यार बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यार खाना खा लिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार पारस का एक काम है। यार जो पारस है ना वो मयंक ही है, हम उसे प्यार से पारस कहते हैं, बाकी यार उसका वैसे ऑफिशियल नाम तो उसका मयंक ही है लेकिन यार हमारे लिए पारस है। और यार वो आ चुका है तो आप लोग उसे मिलवाते हैं और वही आपको बताएगा कि काम क्या है। तो यार पारस आ चुका है तो इसी से पूछते हैं, पारस क्या हाल है? बस बढ़िया, गंदा बढ़िया है। तो काम क्या है फिर आपका? अरे बाल काटने हैं। तो कौन सी कटिंग चाहिए फिर तुम्हें? खाली सिंपल चाहिए यार, स्कूल जाना है कल ही। और अच्छा, और वो लाए हो पैसे? पैसे तो हमने भाई है यार, इस टफ पड़ जाएगा यार। तो कोई ना यार, अपना छोटा भाई है, देख लेंगे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और वैसे भी यार अपना सब्सक्राइबर है तो इतना तो बनता है। तो चलिए पारस की हेयर कटिंग शुरू करते हैं। तो यार पारस तो बैठ चुका है अपनी सीट में और साथ ही साथ औजार भी आ चुका है जो कि पारस का ही है। तो शुरू करते हैं अब। पारस रेडी? यस रेडी। चलो बहुत बढ़िया। तो ठीक लग रहा है फिर? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो कितने टाइम जा रहे हो कल स्कूल फिर? एक महीना हो जाता है, एक महीने से ज़्यादा। एक महीने से ज़्यादा? हाँ। तो मिस करते हो स्कूल को? जाने का मन है कल? अब जाने का मन है ही, अब घर में ही बोर होता हूँ। तो घर में बोर हो जा रहे हो? हाँ। चलो बाकी बाहर गाड़ी में कोई दिक्कत? ना ना दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं हो रही है? ना मज़ा आ रहा है? बस ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। जो आपका टीमा सही नहीं है? कोई नहीं, अब दुआ यही है। वो तुम्हारे तो कट हम काटने जाते थे हीरो वाले, कट गए तेनालीराम वाले। कोई नहीं यार, अभी स्कूल में जाने के फैशन के। ओ भाई, वो क्या फैशन करना है? वही तो यार, फैशन भी तो करना है यार ब्रो, ऐसा मत कहो। फैशन अब 12th के बाद। हैं? फैशन 12th के बाद। 12th के बाद फैशन? हाँ। चलो बहुत बढ़िया है यार, बहुत समझदार हो यार तुम। इतने समझदार कैसे हो गए ऐसे? तो यार ब्रो मज़ा नहीं आया? नहीं यार सही है, ऐसे क्या करूँ। ठीक है ठीक है, स्कूल ही तो। अरे एपिक फेल हो गया यार, हम जैसे चाह रहे थे वैसे बाल कटे ही नहीं। क्यों? हाँ अब जो है सो है, जो है सो है। यहाँ को दिखाओ, साइड करो। कोशिश तो हमने पूरी करी यार लेकिन हुए ही नहीं। तो यार आप 10 में से कितने नंबर दोगे हमें? 5 टेप का। ओह माय गॉड, लग तो तुम सही रहे हो, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसे मतलब अगर कोई आएगा ना, कोई कहेगा हाँ। तो भाई कैसा लग रहा है यार, तुम्हें स्टाइल के तो कटाने चाहिए। हाँ। तो मुझे ये बताओ तुम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो या स्टाइल दिखाने जा रहे हो? अब मैं तो पढ़ने जा रहा, दोस्त लोग कहते हैं। दोस्त लोग कहते हैं? हाँ। तो ब्रो मेरा तो ये मानना है ना, दोस्त लोगों को छोड़ो पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना गाइस? ये तो है। ठीक है हाँ। तो दोस्तों को छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो बहुत बढ़िया। और एक बार और दिखाओ जरा, अपने सारे एंगल दिखाओ। ये पूरा घूमो। इतने बुरे भी नहीं कटे हैं। तो यार थोड़ी सी कटिंग अभी और बची है बिकॉज अभी ट्रिमर की बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है, तो थोड़ी देर उसको चार्ज करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके ओके।
तो फाइनली यार थोड़ी सी कटिंग बची थी वो पूरी हो चुकी है। सब कैसे लग रहे हैं बाल, देख के आए आप? हाँ ठीक ही है। ठीक है हाँ। मजा आया? ठीक ही है, मजा नहीं आया पर। मजा नहीं आया हाँ। अरे यार तो ब्रो यार हमसे गलती हो गई क्या? नहीं ठीक है। बारिश का मौसम क्यों बन चुका है फिर? अब मुझे क्या पता भाई, यार मुझे तो यही लग रहा है कि आप पारस की कटिंग देख के ना भगवान थोड़े से नाराज हो चुके हैं, जिस वजह से यार कभी भी बरस सकते हैं। अब वैसे ही बारिश का बताए होगी। लेकिन यार मेरा तो ये मानना है कि यार बाल ढंग से नहीं कटे हैं यार। क्यों ब्रो? अब मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, अब जो हो गया अब क्या है। अच्छा तो नेक्स्ट टाइम ठीक कर देंगे। चलो नेक्स्ट टाइम ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ तो अभी के लिए गुट्टू को कर ले, फिर गुट्टू को फिर कर ले गुट्टू को। हाँ चलो गाइस अभी के लिए गुट्टू गुट्टू को। को। तो यार पारस कुछ बोलना चाहता है, इसने दोबारा मुझसे कैमरा ऑन कराया। हाँ बताओ। थैंक यू आकंद भाई। ओहो हो गया गंदा जी, बाल देवे अच्छे नहीं कटे ब्रो यार, ये ओपी लेवल का एकदम रोस्टर बनने वाला पता है। उसे क्या बोलते हैं, रोस्टर तो बोलते हैं ना उनको, रोस्ट करता है। नहीं हाँ मैं ब्रो यार इसने तो मुझे ओपी लेवल का रोस्ट कर दिया है। ये ब्रो ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? अब आपने ऐसे किया। चलो यार जैसा भी है, बाल तो लेकिन कट चुके हैं, अब अपनी खेती है यार, थोड़े दिन बाद वापस आ जाएगी। क्यों सही बात है, ठीक बात है। सही चलो है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड टू गुड टू गो। गो। लेकिन बाल कैसे कटे हैं तो बताओ हैं? क्या चलो कहूँ कैमरा भी ऑन नहीं है तो बता बाल कैसे कटे हैं श्रीलंका के नहीं होते छोटे छोटे ऐसे गाइस। होते हैं टाइम के। गाइस इसने रेसिस्ट कमेंट कर दिया है तो प्लीज यार इसे इग्नोर करना है, बच्चा है अभी। अब मुझ काट लें गाइस? ना गाइस अरे रहन मुझ दो, गाइस यार मुझ तो काट दो यार रहन ब्रो। दो, हैं ना ना रहन क्यों दो, क्यों क्यों? अरे बाद में फिर आ जाती है। वैसे भी अभी बचपन नहीं हुआ मेरा। अरे तो क्या हो गया, बर्तन नहीं हो रहा है? बचपन हो जाता तब तो मैं कह देता हाँ, हाँ अब बचपन नहीं हुआ एक बार तब। दिखाओ तो सही, जरा मूंछ तो तुम्हारी आ ही रही है वैसे यार, हल्की आई हल्की हल्के हल्के आ रही, वैसे नहीं है। तो काट लेते बताओ फिर ना यार। ना वैसे ना हैं रहन दो गर्लफ्रेंड ने मना किया है ना, ब्रो? ऐसा होता ना हाँ मैं ऐसे बाल नहीं कटाता। ओ माय गॉड गाइस क्या कह दिया, देखो गाइस ने क्या कह दिया। तुम पढ़ते कितने पहले बताओ दोबारा मैं से? नाइन्थ में हूँ। मैंने पढ़ते हो और हाँ गर्लफ्रेंड कितनी तुम्हारी? मैं है ही नहीं, मैं ऐसा कोई कुछ नहीं गर्लफ्रेंड कर नहीं है, ना झूठ मत बोलो ना यार। हैं ना, तभी तो तुम ये मूंछ कटवा रहे हो, तभी तुम ये, मुझे सॉरी कटाई नहीं ना रहा ना, तभी तुम ये मूंछ नहीं कटवा रहे हो। ना, ऐसा कुछ नहीं है। हैं वैसे भी अभी एक बचपन नहीं गर्लफ्रेंड तो हुआ हो है गया, एक गर्लफ्रेंड तो ना, होगी ना ऐसा नहीं कुछ नहीं है, है ना। शरीफ लौंडे हो गया सही में हमको ऐसा कुछ नहीं भाई। तो। लेकिन मुझे अगर लगा पता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो अब वो तो फिर टाइम, मतलब अभी तो खैर कुछ नहीं है, अभी ओ नहीं है, गाइस देख ऐसा देख लगा कुछ इसका झूठ पकड़ा गया इसने, ऐसा अभी अभी कुछ इसने नहीं है। तुमने अभी अभी पार्टी चेंज कर दी है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, हैं मैं ऐसे हरकतें नहीं करता अब ये कोई बताओ को। गर्लफ्रेंड है? नहीं है? ना नहीं है, नहीं है ना पक्का? पक्का। फोन करके पूछो तुम्हारे स्कूल में किसी से, किसी से पूछ लो, किसी से भी, किसी एनी से, फ्रेंड, किसी से, किसी भी दोस्त से? किसी भी दोस्त से। ऐसे है ही नहीं, चार पांच ही है दोस्त मेरे, मैं अच्छा। ज्यादा से बात नहीं और करता दोस्तियां दोस्ती या गर्लफ्रेंड्स? कोई, मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता। ओ गाइस ये गाइस जो हम ढूंढते हैं ना सख्त लौंडा, गाइस ये है असली सख्त लौंडा। सख्त लौंडे को देख लो गाइस। मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी से। ओहो तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है, मतलब बात ही नहीं करता हूँ मैं किसी से, क्यों खाली क्यों दोस्त। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ना ऐसा ऐसा ऐसी है, मैं बात ही नहीं करता हूँ। पक्का पक्का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ना, तो गाइस जिस सख्त लौंडे को हम ढूंढ रहे थे इतने सालों से, हियर वो इट मैं इज होगा। सख्त लौंडे। सकते हैं हम बात नहीं करते भाई किसी हाँ से। बात नहीं करते ब्रो ऐसे किसी से, पार्टी तगड़ी है ठीक है। लौंडे सख्त हो लौंडे सकते हैं, हैं, लौंडे सकते हैं हम सख्त लौंडे। बस सकते। चलो ठीक है यार आया, वैसे वैसे कुछ भी आया तो मजा की बाल काटने में ठीक है है तुमको आया मजा कंधा नहीं, मुझे नहीं आया। तो यार पारस के बाल आप कट चुके हैं फाइनली और ये जाने वाला है, तो यार सी ऑफ कर लो फिर हमारे गाइस को। हाँ ओके थैंक यू। वैसे थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया यार बहुत लेकिन गर्लफ्रेंड है नहीं है? ना सख्त ऐसे लौंडे, नहीं, सख्त लौंडे ऑन सख्त दो, लौंडे सख्त लौंडे। सख्त चलो एकदम। बाय सख्त लौंडे ओके बाय। बाय। यार मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और साथ ही साथ घर में आटा भी ख़त्म हो चुका है, तो यार चक्की चलते हैं और अपना काम करवा के लाते हैं। तो यार गेहूँ रेडी है तो लेट्स गो। इसे देखो इसने गाड़ी की आवाज़ सुनी और तुरंत आ गया, अभी देखना वहीं जाएगा मेरे साथ। तो यार बादल लग चुके हैं यार, फिर से कहीं बारिश ना आ जाए। और अभी ये जेरी को देखो, यार गए तो काम से थे लेकिन यार ठंड इतनी हो गई ना यार, मोमो खाने का मन कर गया। वैसे यार है तो फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए लेकिन यार कभी कभी चलता है। तो यार आपने मेरी वीडियो में सुना होगा देसी स्टाइल कार्डियो के बारे में, देखा भी होगा बहुत से लोगों ने, और जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो चलो आपको दिखाता हूँ देसी स्टाइल कार्डियो, वो अपने स्टाइल में एक अनलिमिटेड फन के साथ। ये देखो गाइस शुभारंभ करते हैं अपने कार्यक्रम का। अब लगे अपने कार्यक्रम में चिमट रहा अपना जो है, मंडी की ओर प्रस्थान भी करना है और वहाँ
और इसका भाव जो है रेट काफी हो चुका है। तो और ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे टमाटर शुभारम्भ करें फिर। चलो जी, जय सियाराम, जय सियाराम। लास्ट हो गया फिर। रवानगी ओके भाई, तो बोल दो फिर एक बार। ओके बाय बाय। ओके बाय। चलो तो कैसा लगा आपको देसी स्टाइल कार्डियो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आप पारस के साथ मैंने अभी एक राइड का प्लान सोचा है, उसे बताया नहीं है अभी बिकॉज अभी टाइम काफ़ी कम है। अगर होता है तो उसे बताऊंगा, नहीं तो यार कभी किसी और दिन चल देंगे पारस के साथ। और उसकी पार्टी ड्यू है तो यार अगर अभी जाएंगे राइड पर तो आपको बताऊंगा उसकी पार्टी ड्यू क्यों है, नहीं तो यार किसी और दिन जाएंगे और उस दिन आप लोगों को बताऊंगा कि पार्टी ड्यू क्यों थी उसकी। तो यार जो पारस के साथ प्लान था राइड पे जाने का यार वो तो बन नहीं पाया बिकॉज काफ़ी दूर हो चुकी है। एंड यार इतनी देर में पारस को अपने साथ ले आना सेफ भी नहीं है बिकॉज अंधेरा काफ़ी हो गया है। और हाँ उसकी एक पार्टी ड्यू है और वो पार्टी किस बात की है आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। और हाँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सी यू सून।